ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस पूरे देश में धर्म आधारित आरक्षण के लिए लगा रही है जोर, कर्नाटक मॉडल को पूरे देश में दोहराने की कांग्रेस की तैयारी है। कर्नाटक के बीजापुर में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा आजकल अपने भाषण के समय काफी घबराए हुए रहते हैं पीएम नरेंद्र मोदी, शायद कुछ दिनों में स्टेज पर उनके आंसू निकल आए। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार, राम कदम बोले राहुल हताशा के कारण उठपटांग बातें करके लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में अमित शाह ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए देश में शरिया कानून लाना चाहती है। यूपी के संभल में सीएम योगी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में गौकशी की छूट का वादा होने का लगाया आरोप, बोले सहन नहीं करेगा हिंदुस्तान। हैदराबाद में एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने बीजेपी पर बोला हमला, बोले डोसा इडली और बिरयानी सबका है मुल्क, गोश्त के नाम पर लोगों को मारा जाता है। कर्नाटक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस को बताया पीएफआई का हमदर्द, कहा हम प्रतिबंध लगाते हैं, कांग्रेस सत्ता में आने पर उन्हें आमंत्रित करती है। राहुल गांधी के संभावित अयोध्या दौरे पर योगी आदित्यनाथ ने कसा तंज, कहा जो कहते थे राम तो हुए ही नहीं, वो रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाना चाहते हैं। भारतीय बौद्ध समुदाय ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन के पीएम मोदी पर दिए बयान पर जताई आपत्ति, बौद्ध संघ के अध्यक्ष बोले कांग्रेस ने अपनी सरकार में क्या किया, खड़गे ने एक इंटरव्यू में पीएम पर बौद्ध धर्म के प्रति विश्वास पर उठाए थे सवाल। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा राम का निमंत्रण ठुकराने वाले वोट के खातिर अब रामलला के मंदिर जाएंगे। आज महाराष्ट्र और गोवा में पीएम मोदी करेंगे चुनाव प्रचार, महाराष्ट्र के कोल्हापुर और साउथ गोवा में करेंगे रैली। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात में करेंगे कई चुनावी जनसभाएं, पोरबंदर भरूच और पंचमहल में रैली के बाद वडोदरा में करेंगे रोड शो। आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, अमेठी और रायबरेली सीटों पर फैसला संभव, पंजाब की सीटों पर भी तय हो सकते हैं उम्मीदवार। बिहार में बंद चीनी मिलों को लेकर मीसा भारती ने पीएम पर साधा निशाना, कहा बिहार की चीनी मिलों से कब धुआं निकलेगा, क्या पीएम तारीख बताएंगे। आज कानपुर देहात, औरैया और कन्नौज में चुनाव प्रचार करेंगे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, कन्नौज से मैदान में है अखिलेश यादव। आरजेडी प्रमुख लालू यादव आज छपरा में करेंगे पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित, दोपहर 2 बजे छपरा पहुंचेंगे लालू यादव। पश्चिम बंगाल के मालदा में पीएम की रैली में लगे मोदी मोदी के नारे, पीएम ने कहा अगले जन्म में बंगाल में किसी मां की गोद से जन्म लेने की ख्वाहिश। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में करीब 61% मतदान, न्यूज 18 इंडिया से मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा बार बार ईवीएम पर सवाल उठने से पैदा हुए भ्रम ने मतदान प्रतिशत को प्रभावित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से जुड़ी 3 तरह की याचिकाओं को खारिज कर दिया, बैलेट पेपर से वोटिंग, सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती और वीवीपैट पर्चियों को बैलेट बॉक्स में डालने की याचिका खारिज। ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर पीएम ने विपक्ष पर तीखा वार किया, दो टूक बोले कि बैलेट पेपर लूटने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद कांग्रेस ने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ होने का किया दावा, कहा ईवीएम में के रहते हुए बीजेपी को हराना मुश्किल है, वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, बोले जब कांग्रेस चुनाव जीतती है तब ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं उठाती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद विपक्ष को ईवीएम पर विश्वास नहीं, अखिलेश यादव बोले इंडिया गठबंधन को जिताओ और ईवीएम को हटाओ। यूपी की कन्नौज सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक और अखिलेश यादव के बीच ट्विटर वॉर, इत्र नगरी को विकसित करने को लेकर एक दूसरे पर साधा निशाना। सीटों को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस में फिर सामने आई कलह, नसीम खान ने महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार न उतारने पर कैंपेन कमेटी से इस्तीफा दे दिया। लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़ा दंगल।